अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हेयर ग्रोथ और ब्लैक हेयर के लिए ऑयल। इसके लिए जो हमें चीज़ें दरकार हैं, हमें लिया है मस्टर्ड ऑयल 1 कप। यहाँ पे हमने फ्लेम को हाई किया है और एक सॉस पैन में 1 कप ऑयल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। और यहाँ पे जो हमें दूसरी चीज़ें चाहिए, ये हमने एक अदद लौकी लिया है जिसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और ये कोरिएंडर, ये हमने घर होम मेड लेनी है, बाजार बाजार से भी इजीली अवेलेबल है। अब हम इसको छोटे छोटे पीसीज में कटिंग करेंगे। ऐसे छोटे छोटे पीस हम करते जाएंगे। प्लीज़ हमारे मोर टिप्स के लिए और मोर कुकिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन भी ऑन कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। अब हम इन सबको अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे छोटे छोटे पीसीज में, इसलिए कि हम जब ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो इसका सारा जो बेनिफिट्स हैं, जो इसके विटामिन्स हैं, वो इसमें डेवलप हो सके, इसलिए हम इसको छोटे छोटे बाइट्स में कटिंग कर लेंगे। ये ऑयल लगाने में भी बहुत लाइट है और आपके बालों को, जो अगर किसी के बाल रूखे हो गए हैं और वो सिल्की नहीं रहे, तो ये यूज़ करें। 2-3 दफ़ा यूज़ के बाद ही आपको इसका इफ़ेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये देखें, छोटे छोटे पीसेस भी हमने इसको काट लिया है। अब हम एलोवेरा जेल को भी अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे छोटे छोटे चम्स में। एलोवेरा जेल आपके बालों को स्मूथ करेगा, सिल्की करेगा और शाइनिंग करेगा। इससे आपके बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धूप की वजह से आपके बालों में जो शाइनी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, इससे वो फिर दोबारा आने शुरू हो जाएगी और बाल भी सीधे होना शुरू हो जाएंगे। इससे आपको केराटिन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग लाखों रुपए से लगाते हैं उस पे, केराटिन पे, और वो भी मुस्तकिल इसका इलाज नहीं है। ये आप घर में तैयार कीजिएगा और फ़र्क अपनी आँखों से देखिएगा, ये बहुत ही कम पैसों में तैयार हो जाएगी। अब हम इसको इस ऑयल में ऐड कर देंगे चीज़ों को, और अच्छी तरह से 8 से 10 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, इसलिए कि इसका जो जितने भी जो विटामिन्स हैं वो सारे इस ऑयल में डेवलप हो जाएं। वक्फे वक्फे से आप इसको हिलाते जाइए। आप 10 से 15 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। ये ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा है, बाज़ार से महंगा ऑयल मिलता है। ये वो लौकी का ऑयल वो बालों में लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमने घर पे तैयार किया है। इसमें हम लौकी ही यूज़ करेंगे, जो गोल वाला होते हैं कद्दू, वो इसमें यूज़ नहीं करेंगे, इसमें यही लौकी यूज़ करेंगे। ये देखिए, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखिए कितने अच्छे ब्राउन हो गए हैं, तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये ब्राउन हो गए हैं। ये देखें, साथ ही जो मस्टर्ड ऑयल है इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। आप इसको इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसको 1 साल के लिए सेव भी कर सकते हैं। अब आगे हम आपको इसका लगाने का तरीका बताएंगे, बहुत ही इजी है लगाने में भी और इस्तेमाल में भी। आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं। मैं खुद इसका यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है बालों के लिए। इससे बालों की ग्रोथ में दिनों में फ़र्क पड़ेगा और बाल अच्छे खासे हेल्दी हो जाएंगे आपके, और नेचुरली तौर पे ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे।
आप इसको बनाएंगे और यूज़ करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको ये मेरी टिप कैसी लगी। ये सारा इसमें से हम रिमूव कर देंगे, ये इजीली से रिमूव हो जाएगा, इसको हम फेंक देंगे। अब हम इसको तकरीबन 2-3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए अच्छी तरह ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम इसको एक कटोरी में डालेंगे जितना हम यूज़ करेंगे। ये देखिए 2 से 3 टेबल स्पून हमने एक कटोरी में इसको डाल लिया है। अब हम इसमें जो तीसरी चीज़ शामिल करेंगे, ये देखें, ये है विटामिन ई के कैप्सल्स। ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल हैं। ये 2 अदद हम कैप्सल्स लेंगे। इससे आपके बाल बहुत ही सिल्की हो जाएंगे और शाइनी हो जाएंगे। और गिरना तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब बाल रूखे होंगे तो वो टूटते बहुत हैं। इससे कम टूटेंगे और हेयर फॉल में काफ़ी अच्छा खासा इफेक्ट मिलेगा। ये 2 कैप्सूल को हम पंच करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 3 से। आप इसकी कंसिस्टेंसी को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसमें ज़्यादा कैप्सल्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके बाल, मेरे तो घुटनों तक हैं बाल, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा ये ऑयल लेती हूँ। मेरे बाल ज़्यादा लंबे हैं, अगर आपके बाल कम हैं तो आप उसकी कंसिस्टेंसी कम करते जाइएगा। ये देखिए मैं बालों की लेंथ पे लगाऊंगी इसको। आप इसको अच्छी तरह से लेंथ तक यूज़ कीजिएगा। एक दफ़ा में ही आप अपने बालों को वॉश करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट देखेंगे। इससे बाल बहुत जल्दी स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे और सिल्की होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये बहुत ही शाइनी है और आपके बालों को भी बहुत हद तक ये शाइनी कर देगा, और इसका इफ़ेक्ट आप अपनी आंखों से देखेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन भी ऑन कीजिए। और नहाने से पहले 2 घंटे या 3 घंटे पहले इसको यूज़ कीजिए, और उसके बाद किसी भी शैम्पू से आप इसको वॉश कर लें, ये इजीली वॉश हो जाएंगे। आपका ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।